हेलो, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे माँ बाप हमारे पास में बच्चे लेके आते हैं जो हाइपर एक्टिव है, बहुत ही हाइपर एक्टिविटी, और उनको समझता नहीं इसका करना क्या है। कुछ उनको सेडेशन देके उनको सुला देते हैं, सोनी के दवा दे दो, सुला दो। एक्चुअली उनको रहता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, या हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि इसमें होता क्या, ये क्या प्रॉब्लम है। ये क्या है कि ये 6 महीने से यदि ये इसके लक्षण दिख रहे हैं कंटिन्यूसली 6 महीने से कोई बच्चे में, तो हम बोलते हैं कि इसको ADHD ये बीमारी हुई है। अब कौन से लक्षण दिखना चाहिए? एक है कि ये छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत गलतियां करता है बच्चा, बहुत ही कैजुअल रहता है और एकदम सिली मिस्टेक करता है। फिर उसका कोई भी काम के ऊपर लक्ष्य केंद्रित नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता। कोई काम बोलो या कोई खेल है, इसके ऊपर वो एक जगह बैठ के वो खेलेगा नहीं, एक जगह बैठ के वो फोकस नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। आप उससे बातचीत करो तो वो सुनेगा नहीं, उसका ख्याल नहीं रहेगा, वो और इधर उधर कहीं देखते रहेगा बातचीत करेंगे तो। फिर पढ़ाई में वो पीछे रहेगा क्योंकि वो अटेंशन उसका बैठता नहीं एक जगह। या कोई काम उसको दिया, दैनंदिन जीवन का काम, वो भी पूरा करता नहीं हो, लेकिन नहाना है तो स्नान करना है तो पूरा स्नान नहीं करेगा, कपड़े बराबर पहनेगा नहीं, कि उसका अटेंशन इतना शॉर्ट है, इतना छोटा अटेंशन कि थोड़ा सा ख्याल रहेगा एक के ऊपर, बाद में फिर से और कहीं चले जाएंगे उसका लक्ष्य। तो कपड़े भी बराबर पहनेगा नहीं, कोई काम भी बराबर एक साथ एक एक जैसा अच्छा करेगा नहीं। बाहर से कोई भी आवाज़ उसको सुनाई आती तो एकदम तुरंत उसका उधर ख्याल जाएगा और उधर वो अट्रैक्ट हो जाएगा ना, वो चल जाएगा। वो रोज़ की एक्टिविटी भूल जाता है, बहुत ज़्यादा हलचल करता है, एक जगह बैठेगा नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर बैठा है, समझो एक जगह बैठा है तो हाथ पैर हिलाएंगा, ऐसे हाथ हिलाएंगा, उंगलियाँ हिलाएंगा, एक जगह से हिलेंगा, या फिर पैर हिलाएंगा, या फिर समझो क्लास में क्लास टीचर की कंप्लेंट रहती है कि इधर से उधर भागता है, एक जगह बैठता नहीं सीट के ऊपर उसके, एक जगह बेंच के ऊपर बैठेगा नहीं, इधर से उधर जाएगा, ये चढ़ना उतरना बार बार करेगा, कहीं जाना है तो जिना चढ़ेगा उतरेगा, घूमेगा इधर उधर, और किसी कुछ ना कुछ बातचीत करते रहेगा, ज़्यादा बोलता है। और या सवाल अपन उसको कुछ करते हैं तो अपना सवाल पूरा होने के पहले बातचीत कर लेगा या उसका जवाब देगा, लोगों को बोलने देंगे नहीं, और अपने ऊपर कैसा ख्याल रहेगा वो देखेगा। तो एक जगह मतलब उसका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसका लक्ष्य एकाग्र नहीं रहता और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और उसके वजह से फिर ये सब प्रॉब्लम है। पढ़ाई में पीछे हो जाता है क्योंकि पढ़ाई करता ही नहीं, एक जगह टिकता नहीं है, वैसा होशियार रहता है, उसकी बुद्धि अच्छी रहती है, उल्टी ज़्यादा अच्छी रहती है बुद्धि, मतलब बुद्धियांक निकाला तो ज़्यादा रहता है अच्छा उसका, मगर एक जगह ना टिकने से वो पढ़ाई में भी पीछे हो जाता है। इसमें साइकोस्टिम्युलेंट जो दवाई है, साइकोस्टिम्युलेंट्स, वो दवाई काम करती है बहुत अच्छी तरह से, और उसमें आता है मिथाइल फेनिडेट, वो दवाई है बहुत अच्छा काम करती है। फिर डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन, वो मिलती नहीं जल्दी अपने देश में। फिर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन और फिर पिमोलाइन, ये अलग दवाई है कि जिससे उनको फ़ायदा होता है। अब ये दवाइयों से थोड़ा साइड इफेक्ट भी है, जैसा सर दर्द करना, या भूख कम हो जाना, या पेट में दर्द होना, ऐसा चेहरा मायूस रखना, ऐसे इसके साइड इफेक्ट भी रहते हैं, मगर मिथाइल फेनिडेट से बहुत अच्छा फायदा होता है, और 10 मिलीग्राम से लेके 40 मिलीग्राम तक ये दवाई हम दे सकते हैं। ये दवाई दिन में देना चाहिए ताकि रात में बच्चा अच्छा सो सकता है। इसके अलावा एटोमॉक्सिटिन नाम की जो दवाई है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, उसका 18 मिलीग्राम से लेके 27 मिलीग्राम तक उसका डोज है पर डे का, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है वो अच्छे काम करते हैं, ऐसे सारा ऐसा है, जो दवाई है वो अच्छी काम करती है। इसके अलावा साइकोसोशल इंटरवेंशन करना जरूरी है, माँ बाप का काउंसिलिंग करना, उनको थेरेपी देना, साइकोथेरेपी देना, और बच्चों की परवरिश कैसे करना, दवाई कैसे देना, उसके बारे में उनको शिक्षित करना। कुछ माँ बाप को ऐसा लगता है कि अभी से हम दवाई देंगे तो आगे कैसा होगा, दवाई देते नहीं है, मगर कुछ कुछ बच्चों में तो मिथाइल फेनिडेट देने से इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि वो बच्चा एकदम नॉर्मल बच्चे जैसा हो जाता है।
मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ कि मिथाइलफेनिडेट और एटोमॉक्सिटिन जो दवाई है दोनों का कॉम्बिनेशन दे देता हूँ, और रात में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो देता हूँ ताकि बच्चों को अच्छी नींद भी आ जाए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन दे देते, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। माँ बाप ने रिलैक्स होना, शांति रखना, ये बीमारी को एक्नॉलेज करना कि बीमारी है बच्चे में, और बीमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अच्छी हो जाएंगी, इसका उनको मतलब जानकारी इसकी होनी चाहिए। ये अक्सर जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, वैसे वैसे काफ़ी क्वाइट हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। कुछ बच्चों में काफ़ी साल तक ये दवाई चालू रखनी पड़ती है। तो इसका काउंसलिंग करना और माँ बाप को तसल्ली देना, रिलैक्स करना, उनका काउंसलिंग करके उनको क्वाइट रखना, ताकि बच्चा भी अच्छी तरह से उसका जीवन जी सकेंगे। नहीं तो माँ बाप यदि डिस्टर्ब है, बहुत स्ट्रेस में, टेंशन में, बच्चे का कैसे होगा, वो बच्चों को मारेंगे, पिटेंगे, ख्याल देता नहीं करके, मार्क्स कमाते करके, उनको लगता है कि बच्चा बहुत होशियार है फिर मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो उनकी शिक्षा करना, उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है माँ बाप को, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।